हे hey गाइस मैं हुसीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ तो आज मैं एक रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी तो हम जो केक बनाने के लिए या केक डेकोरेशन के लिए विप क्रीम यूज़ करते हैं या व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हैं उसका ये रिव्यू होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि अच्छा सा केक डेकोरेशन के लिए या अच्छी सी आइसिंग करने के लिए कौन सी विप क्रीम ज़्यादा अच्छी होती है ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है गाइस ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आज मैंने यहाँ पर ले ली है ये गुड रिच की वाइट गोल्ड विपिंग क्रीम ये जो क्रीम है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे खास करके ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है आज तक मैंने जितनी भी क्रीम्स यूज़ की है उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छी लगी है गुडरिच वाइट गोल्ड नाम की ये व्हिपिंग क्रीम है और ये वन सिक्सटी में आपको किसी भी केक मटेरियल शॉप में मिल जाएगी इस तरह से वन के का ये पैकेट मिलता है आप अगर होल में ये पैकेट खरीदते हैं तो आपको एक से चालीस तक या एक तक भी वो शॉप के पर इसकी कीमत लगा सकता है तो यहाँ पर एक किलो का ये पैकेट है और इसे आपको फ्रीजर में रखना होता है आप इसे 12 महीने तक या एक साल तक स्टोर कर सकते हैं फ्रीजर में फ्रोजन आइटम है इसे आपको फ्रीजर में ही रखना होता है जहां पर हम लोग बर्फ जमाते हैं तो आज मैं ये गुडरिच की जो विप क्रीम है एक फ्री है और अच्छी सी स्टेबल वाली व्पिंग क्रीम हम लोग जब डेकोरेशन करते हैं तब ये तैयार होती है तो यहाँ पर मैंने एक कप ये व्पिंग क्रीम इस तरह से इस बाउल में ले ली है आज मैं आपको ये गुडरिच की जो वाइट गोल्ड विप क्रीम है वो इस तरह से बीट करके भी दिखाऊंगी इसका टेक्सचर इसका स्मूथनेस और केक डेकोरेशन के बाद या डेकोरेशन के टाइम पर जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है क्रीम मेल्ट होने की वो भी इससे नहीं आएगी तो आप लोग जरूर एक बार ये गुड रिच की वाइट गोल्ड वाली प्रीमियम विप क्रीम यूज़ करके देखिए और इसे आपको स्टोर करने का तरीका भी मैं बताती हूँ जितनी आपको क्रीम चाहिए उतनी हमने यहाँ पर निकाल ली है इसके बाद इस पैकेट को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद आप लोग इस तरह से इसे ये क्लिप्स लगा रख सकते हैं और थोड़ी सी क्रीम बची है या आप इस पैकेट में नहीं रखना चाहते हैं तो आप किसी भी तरह के एयरटाइट स्टील कंटेनर में या जो प्लास्टिक कंटेनर होता है उसमें भी ये जो बची हुई आपकी विप क्रीम है उसे रख सकते हैं सिर्फ आपको इसे फ्रीजर में स्टोर करना है फ्रिज में कहीं भी आउटर डोर साइड पर स्टोर आप इसे नहीं कर सकते इसे आपको इस तरह से डब्बे में रखकर फ्रीजर में स्टोर करना है 12 महीने तक आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने यह विप क्रीम है उसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना शुरू किया है बस पाँच से सात मिनट के अंदर ही आपकी जो विप क्रीम है वो अच्छी तरह से बीट हो जाती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ इस तरह से आपको शुरुआत में लो स्पीड पर और बाद में हाई स्पीड पर क्रीम को फेंटना है और बाद में छः से सात मिनट में ही आपकी इस तरह की स्टिप पिक्स वाली क्रीम तैयार होती है तो आई होप बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर और दावत चैनल पर नए हैं ऐसे ही हेल्पफुल से वीडियोज देखना चाहते हैं तो दावत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह की एक नई से वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर